2023 में इसी राज्यसभा सदन के पटल पर माननीय मंत्री जी ने जवाब देते हुए ये बताया कि मात्र 52% घर ग्रामीण इलाके के ऐसे हैं जिन तक आज जल पहुंचा है। मैं पूछना चाहूंगा कि आज वर्ष 2024 आ गया है, आपने वर्ष 2022 तक हर घर जल योजना के तहत नलके में पानी देने का वादा किया था, आज का क्या आंकड़ा है? और दूसरा, अगर 20 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स का हम अभी आधा ही हासिल कर पाए हैं, अचीव कर पाए हैं, तो अभी भी क्यों हम हर घर जल देने में इतनी बुरी तरीके से विफल रहे हैं? ये सवाल मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। माननीय मंत्री, पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2,04,000 करोड़ इतनी बड़ी रकम उसके लिए अलग से बजट में उसकी व्यवस्था की गई, इसके साथ ना स्पीड भी आई है, आप देख सकते हैं। सरकार ने काफी धूमधाम से हर घर जल योजना की शुरुआत करी थी और वादा किया था कि ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को वर्ष 2022 आते आते हर घर जल योजना के तहत वाटर कनेक्शन पानी मिलेगा, टूटी में पानी आएगा। वर्ष 2023 में इसी राज्यसभा सदन के पटल पर माननीय मंत्री जी ने जवाब देते हुए ये बताया कि मात्र 52% घर ग्रामीण इलाके के ऐसे हैं जिन तक आज जल पहुंचा है। मैं पूछना चाहूंगा कि आज वर्ष 2024 आ गया है, आपने वर्ष 2022 तक हर घर जल योजना के तहत नलके में पानी देने का वादा किया था, आज का क्या आंकड़ा है? और दूसरा, अगर 20 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स का हम अभी आधा ही हासिल कर पाए हैं, अचीव कर पाए हैं, तो अभी भी क्यों हम हर घर जल देने में इतनी बुरी तरीके से विफल रहे हैं? ये सवाल मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, हमने पहले भी बताया कि जल देना ये राज्य सरकार की अपनी जवाबदारी है, उसे अपने फंड में से ये काम करना था और इसी कारण 70 साल तक केंद्र सरकार की सरकार ने कभी भी उनको आर्थिक मदद नहीं की और काम नहीं हो रहा था। पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2,04,000 करोड़ इतनी बड़ी रकम उसके लिए अलग से बजट में उसकी व्यवस्था की गई, इसके साथ ना स्पीड भी आई है, आप देख सकते हैं कि जो जिले में आकांक्षी जिलों में नल जल प्रतियों को प्राथमिकता देते हुए उनकी कवरेज अगस्त 2019 तक में 28.38 लाख थी, सिर्फ 7.8 लाख थी, परिवारों के बढ़कर अब 211.25 लाख यानी 77% तक बढ़ गई है, तो 7% से 77% तक बढ़ी है, तो ये इतना प्रोग्रेस इसके अंदर हुआ है। इसी तरह जो फिलहाल कवरेज अगस्त 2019 से 8 लाख से बढ़कर जो यह उपस्थित राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी से यह संभव हुआ है, जेजेम गांव में जाति समुदाय और उच्च नीच के मानसिकता को तोड़ा है, क्योंकि यह एक समावेशी योजना है और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक ग्रामीण घरों में एक गुणवत्ता के आधार पर पानी उसको दिया जाता है। जल आपूर्ति राज्य का विषय है और जेजेएम के तहत सभी जल आपूर्ति योजनाओं के डिजाइन, योजना एवं उसके कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदारी उन पर है। भारत सरकार उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है और उसको फॉलोअप भी करती है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग भी करती है। बहुत जल्दी जो अपेक्षा आपने की है उस तरफ राज्य सरकार बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।